आक्रोशित भीड़ को शांत कराने। भीड़ में कई ऐसे युवा थे, नारों से ही ये बात स्पष्ट हो गई कि ये रैली कितनी सफल है। भाई वो रैली में आए हुए लोगों के नारों से ही ये बात स्पष्ट हो गई कि ये रैली कितनी सफल है। मुख्यमंत्री जी को भी प्रयास करना पड़ा आक्रोशित भीड़ को शांत कराने। भीड़ में कई ऐसे युवा थे, बहरहाल मैं उस शब्द का उपयोग करना उचित नहीं समझता, पर बार बार मुख्यमंत्री जी के गठबंधन बदलने को लेकर जिस तरीके से युवा साथी उनके ऊपर नारों के माध्यम से व्यंग कस रहे थे, ये अपने में दर्शाता है भैया सात सात दलों का आपका गठबंधन है, उसके बाद भी आपको शक्ति दिखानी पड़ती है, ताकत दिखानी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी का बयान, भाई एक मुख्यमंत्री है जो माझी जी को रिझाने के लिए तमाम लुहावनी बातें वहां पर कर रहे हैं ताकि वो गठबंधन ना बदले, तो वहीं दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री हैं जो माझी जी का नाम भी लेना भूल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो नाम ले लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि महागठबंधन में आज की तारीख में चिंताएं परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों ने भैया कभी नहीं सुना कि कोई सत्ताधारी दल शक्ति प्रदर्शन करता हो, विपक्ष के लोग जरूर करते हैं, और शक्ति प्रदर्शन भी किसके सामने, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं अपने कार्यक्रम में, उनको आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उनको आप अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। ये सोच कि आपको शक्ति दिखानी पड़ रही है, ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में महागठबंधन पूरी तरीके से शक्ति विहीन हो गया। और मुख्यमंत्री जी, भाई ये मैं नहीं, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस भी गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में नेगेटिव वोटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी की वजह से वो गठबंधन हारता है। नहीं तो क्या कारण था भैया, कुर्नी जैसी सीट ये लोग हार जाए, मोकामा में इनका जीत का मार्जिन कितना कम हो गया, गोपालगंज महागठबंधन की पारंपरिक सीटों में से एक, वो ये लोग जब हार जाते हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का रहना गठबंधन के लिए नुकसानदायक है। एक और सवाल है कि आजकल आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, जीतन मांझी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और जदयू भी टूट रही है, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हो गए हैं, और आज तो मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया मांझी जी को लेकर कि अरे हम लोग आपको मिलकर आगे बढ़ाएंगे, तो मुख्यमंत्री कितने लोगों को आगे बढ़ाएंगे और अपने दल को छोड़कर बाकी सारे दल के लोगों को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री बिहार को आगे नहीं बढ़ा पाए वो किसी दल के नेता को आगे बढ़ाएंगे, जो मुख्यमंत्री खुद दूसरों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने, दूसरे की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो किसी को क्या आप आगे बढ़ाएंगे। भाई अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिपेक्ष में इन बातों को कहा, पर राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। मैं कभी समर्थक नहीं रहा, भाई एक नेता आप उसकी कार्यशैली से आपको एतराज़ हो सकता है, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाइए, उस नेता की नीतियों पे आप सवाल उठाइए, आपको लग रहा है कि भैया कोई बात उन्होंने कही वो गलत है, आप उस पर सवाल खड़े कीजिए, बट इस तरीके से नेताओं को डीलर कहना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं असंतोष में है। भाई डील की बात तो ईमानदारी से इन्हीं के गठबंधन के नेता जब बाहर निकले थे उन्होंने की थी ना, तो डील वाला शब्द आप दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये डील का खुलासा कुछ दिनों पूर्व आपके घटक दल जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही इस डील का जिक्र कर रहे थे, तो सही में डीलर कौन है, डील किसके साथ हुई, ये तो इन लोगों को बताने की जरूरत है। भाई ये बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 10 साल होने को आए हैं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में, और ये लोग तब से एक ही बात कर रहे हैं, भाजपा आएगी एनडीए आएगी तो संविधान को खतरा है, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। क्या हो गया इन 10 सालों में बताइए, कौन सा आरक्षण छीन लिया गया, उल्टा मुख्यमंत्री खुद बताया ना भैया कि जिनकी इनको इतनी चिंता है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ जा रहा है, भैया कैग की रिपोर्ट बताती है इस बात को कि कैसे उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जा रहा है, ना कि उन छात्रों को आगे बढ़ाने को लेकर। तो सही मायनों में अगर कोई आरक्षण विरोधी है तो ये महागठबंधन की सरकार है भैया,
ये लोग छलावा कर रहे हैं, और बात बात पर सिर्फ इसी बात का डर दिखाना कि भाई ये लोग आएंगे सांप्रदायिकता, कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए देश भर में बताएं मुझे पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में, 9 साल तो हो गए, इन 9 सालों में कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए देश में। और वहीं बिहार के हालात देख लीजिए, आए दिन जातीयता के नाम पर, आए दिन सांप्रदायिकता के नाम पर यहाँ पर आगजनी मची हुई है, यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। आरक्षण की ये लोग बात कर रहे हैं, कौन से आरक्षण पे सवाल उठ गए केंद्र की राजनीति में पिछले 9 सालों में, या कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया पिछले 9 सालों में? संविधान का अपमान तो आप कर रहे हैं भैया, जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं। दो दो बार चुनी हुई सरकारों को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 15 का जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के साथ आपने सरकार चलाई। 20 का जनादेश एनडीए के लिए था, आपने महागठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे। 15 का जनादेश आपका महागठबंधन के लिए था और एनडीए के साथ आप मिलकर 17 में आकर, तो जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं, संविधान का अपमान आप कर रहे हैं, और उंगली आप दूसरों पर उठा रहे हैं। नालंदा में आज कहा है कि बिहार जो है पिछले 15 सालों से पिछड़ा हुआ है, भाई बिल्कुल बताना चाहिए। नवादा में आज हम लोग की रैली थी, और नवादा में मैंने इस बात का जिक्र मैंने जरूर किया कि भाई बताएं ना मुख्यमंत्री, लगभग 2 दशक होने को आया इनको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, इन 2 दशकों में मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया है बिहार के लिए, कितने कारखाने इन्होंने खोले, एक सुई तक का कारखाना ये नहीं खोल पाए, उल्टा जो चालू मिले थी, गन्ना शुगर मिल हो या पेपर मिल हो, उन मिलों को इन्होंने बंद करवाने का काम किया। तो जिस तरीके से इनके आने के बाद पलायन बढ़ा है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, भाई कितने आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स हमारे बिहार में आगे बताएं, बाकी राज्य करते हैं कि नहीं करते इन्वेस्टर समिट? अभी उत्तर प्रदेश ने किया ग्लोबल समिट, उन्होंने दुनिया भर से उन्होंने निवेशकों को बुलाया। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब निवेशकों को बुलाया, कब उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात की, ईज ऑफ बिजनेस की मेरे मुख्यमंत्री ने बात की हो? तो भाई आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, यहाँ पर आईटी जॉब, आईटी सेक्टर आप क्रिएट करेंगे नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात करेंगे नहीं, एजुकेशनल हब की आप बात करेंगे नहीं, तो मुझे बताएं ना कि इन पिछले 2 दशकों में क्या किया मुख्यमंत्री ने। और यही कारण है भैया, और ये हम लोग नहीं कहते, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि विकास के हर मापदंड पर सबसे पिछले पायदान पर बिहार है, फिसड्डी राज्यों की गिनती में बिहार को गिना जा रहा है। तो इसका श्रेय अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं लेंगे तो और किसको जाएगा ये श्रेय? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।